क्वेश्चन नंबर 11, लेट जी जी एक ग्रुप है जिसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी डी टाइप के मैट्रिसेस हैं, और ए बी सी डी जो है वो रियल नंबर्स हैं, और इनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो सकता। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो इनका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। बी द ग्रुप ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर 2x2 रियल मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लीकेशन शो दैट द सेट्स, ये जो H एक सेट दिया हुआ है ये सब ग्रुप है G का। सबसे पहले हम H को सब ग्रुप शो करेंगे G का, फिर हम K को सब ग्रुप शो करेंगे G का। कैसे शो करेंगे? बिल्कुल ऐसे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किया था कि एलिमेंट्स ले लेंगे इसके दो, एक X और एक Y, और X Y इन्वर्स जो है वो इसी सेट के साथ बिलोंग करवाएंगे अगर सेम आंसर आ जाता है। तो अगर सेम इसी टाइप का आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे ये G का सब ग्रुप है। सिमिलरली K के लिए भी ऐसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किया था। क्वेश्चन नंबर 11 में अब एच जो सेट दिया हुआ है वो किस टाइप का सेट दिया हुआ है? इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं ए बी जीरो डी टाइप के एलिमेंट्स हैं, और जो ए बी डी है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एंड ए डी कैन नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, सबसे पहले हम एलिमेंट्स ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, ए एलिमेंट ले लेते हैं हम ए वन बी वन जीरो डी वन, और एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, ए टू बी टू जीरो डी टू। दो ले लिए क्योंकि हमने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इनवर्स के साथ शो करानी है। अच्छा, अब लेट कर लेते हैं ये बिलोंग कर रहे हैं किसके साथ? एच के साथ बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, कंडीशन दी हुई है कि ए डी के नॉट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि ए वन डी वन के नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड ए टू डी टू के नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए कंडीशन दी हुई है। हमें ये शो करना है, वी हैव टू शो दैट ए इंटू बी इन्वर्स बिलोंग कर रहा है एच से। अगर ये इससे बिलोंग कर गया तो ये इसका सब ग्रुप है जी का एच सेट। अच्छा, इसके लिए हमें बी इन्वर्स भी चाहिए। ए इंटू बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा? ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स का इनवर्स। अगर आपको याद हो ये मैट्रिक्स से ये चीज की जा रही है कि 2x2 का इनवर्स कैसे फाइंड होता है। मैं यहां जस्ट फॉर्मूला लिख रही हूं, आपने इसको खुद से फाइंड करना है। बी इनवर्स कैसे होगा? बी इनवर्स का मतलब ये है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट, ये बी इनवर्स है। तो आपने इस तरीके से बी इनवर्स फाइंड किया और उसकी वैल्यू आई 1/a2 माइनस b2/a2d2 0/1/d2, ये निकल आया। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है तो क्या बना मेरा? मेरा ए बी इनवर्स बना ये ए मैट्रिक्स a1b1 0d1 इनटू ये बी इनवर्स वाला आंसर 1/a2 माइनस b2/a2d2 0/1/d2। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, तो आंसर आया a1/a2 माइनस a1b2/a2d2 प्लस b1/d2 0/d1/d2। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये इसी टाइप का मैट्रिक्स है कि यहाँ पे तीन कोई रियल नंबर्स हो और यहाँ जीरो हो, ऐसा ही है। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और इस पोजीशन पे जीरो है। इसका मतलब है ये बिलोंग कर रहा है एच से, एच सेट का ही टाइप का एलिमेंट है। सो सिंस ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, दिस शोज दैट एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में बिल्कुल सिमिलर इन्हीं लाइंस पे है। सेकेंड पार्ट में इन्होंने जो दिया हुआ है के सेट, के सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 1b01 और b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके इसकी स्पेसिफिकेशन ये है कि यहां आपके पास फिक्स 1 1 और यहां फिक्स 0 और यहां कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सबसे पहले एलिमेंट्स ले लेते हैं इसके, ए ले लेते हैं। ए को हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, ये फिक्स हैं ये नंबर्स 1 1 0, ये चेंज हो सकता है क्योंकि बी रियल नंबर से है तो वो कोई भी नंबर हो सकता है। 1 b1 0 1 और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1
V201। अच्छा, हमने शो करना है कि ए बी इनवर्स एच से बिलोंग करता है, दिस बिलोंग्स टू एच। सबसे पहले क्या होगा, 1B101 इंटू बी का इनवर्स 1B201 इनवर्स। सेपरेटली आप इनवर्स फाइंड करके यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर लें। मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ इनवर्स का। अच्छा, बी इनवर्स का आंसर आएगा मेरा 1-B201। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बनेगा आंसर में 1B1-B201। अगर आप ऑब्जर्व करें, ये सेम इसी टाइप के सेट में से आ रहा है। यहाँ 110 फिक्स्ड है और यहाँ कोई रियल नंबर है, तो 110 फिक्स्ड और रियल नंबर बिलोंग्स टू एच। सॉरी, दिस इज के नॉट एच, ये के है, ये भी के है और ये भी आपका के है। यहाँ से क्या हुआ कि सिंस ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के, सो के इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। लेट एच एंड के बी टू फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप जी। एच और के कोई भी दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, इनका ऑर्डर फाइनाइट है, हुज ऑर्डर्स आर रिलेटिवली प्राइम। प्रूव ये करना है कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल है। आइडेंटिटी इस सेट के अंदर सिर्फ आइडेंटिटी है, इसका मतलब ये कि एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर 1 है। जब आइडेंटिटी के इक्वल होता है तो ऑर्डर 1 है, यानी उसके अंदर एलिमेंट ही एक ही है। और वो कौन सा एलिमेंट है, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी बिना तो ग्रुप बन नहीं सकता। तो ये एच इंटरसेक्शन के का ऑर्डर भी मेरे पास 1। अच्छा, इन्होंने कहा है कि H और K दो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं, इसका ये मतलब है कि इनका ऑर्डर फाइनाइट है। लेट ऑर्डर ऑफ H इज M एंड ऑर्डर ऑफ K इज N, वेयर M N कुड बी 1। अच्छा, नाउ हमें पता है कि H एंड K सब ग्रुप्स हैं G के, इसका ये मतलब है कि H इंटरसेक्शन K भी सब ग्रुप है G का। कैसे लिखेंगे हम इसे, नाउ H इंटरसेक्शन K इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ G। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। यह आपका थ्यूरम है जो इस एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन में मेंशन भी है और उसका प्रूफ भी गिवन है। ऑल्सो हमें यह पता है कि जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है, जब किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया जाता है तो वो किसी एक सेट के का सबसेट होता है। ऑल्सो एच इंटरसेक्शन के सबसेट हो सकता है एच का भी, एंड H इंटरसेक्शन के सबसेट हो सकता है K का भी। बाय लैग्रेंज थ्योरम ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K दोनों का ही सबसेट है, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर इन दोनों को ही डिवाइड करता है। ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K डिवाइड्स बोथ ऑर्डर ऑफ एच एंड ऑर्डर ऑफ के, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब है इनका, ये इनका कॉमन डिवाइजर है, एक ही नंबर है जिससे ये इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और एच इंटरसेक्शन के इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ एम एंड एन। इससे ये पता चलता है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो इक्वल है 1 के, सिंस एम और एन हर पास 1 लिया था, हेंस ऑर्डर इसका 1 आया है। तो एच इंटरसेक्शन के किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं लेट एन बी एन इंटीजर ग्रेटर देन वन. एन कोई भी इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन वन है, एंड एच एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स हैं. हमें सारे के सारे लेफ्ट को सेट्स फाइंड करने हैं एच के इन सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के अंदर अंडर एडिशन एच सेट के लेफ्ट को सेट्स फाइंड करने हैं, और कितने को सेट्स निकलेंगे वो बताना है हमें. व्हाट इज देयर नंबर. लेफ्ट को सेट्स या राइट को सेट्स बताने के लिए आपने लाजमी इस एक्सरसाइज की जो एक्सप्लेनेशन कुछ पेजेस पहले दी हुई है लेफ्ट को सेट्स और राइट को सेट्स के लिए, वो आपने लाजमी देख लेनी है एक दफा. अच्छा, एच जो सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 प्लस माइनस एन प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 3n अप टू सो ऑन. हमने सारे के सारे लेफ्ट को सेट्स फाइंड करने हैं किसके अंदर, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन. अच्छा, लेफ्ट साइड से इंटीजर्स यहाँ से पिक करते जाना है, लेफ्ट साइड से यहाँ पे ऐड करते जाना है, अंडर एडिशन है. सबसे पहले 0 प्लस एच. अगर हम 0 को इसके अंदर ऐड करते जाएं तो सेम पूरा का पूरा सेट एच ही आ जाएगा. अब 1 प्लस एच तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0 जो कि 1, 1 प्लस माइनस एन, 1 प्लस माइनस 2n, 1 प्लस माइनस 3n एंड अप टू सो ऑन. अब 2 के साथ लेते हैं, 2 प्लस एच तो ये आ जाएगा 2 प्लस 0 इज 2, 2 प्लस माइनस एन, 2 प्लस माइनस 2n, 2 प्लस माइनस 3n अप टू सो ऑन. ठीक है, अब हमने तब तक ये लेफ्ट को सेट्स फाइंड करते रहने हैं जब तक सारे के सारा सेट ऑफ इंटीजर्स हमें कंप्लीटली मिल नहीं जाता. जैसे ही हमारा पूरा सेट कंप्लीट हो जाता है या सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, हम वहीं पे इसको सेट्स का फाइंड करना स्टॉप कर देंगे. क्योंकि ये एक डेफिनेशन दी हुई है लेफ्ट को सेट्स एंड राइट को सेट्स की, कि जो लेफ्ट को सेट्स और राइट को सेट होते हैं वो पार्टीशन करते हैं ग्रुप को. पार्टीशन करने का मतलब ये है कि अगर आप एक पूरा एक सर्कल ले रहे हैं तो एक लेफ्ट को सेट अगर ये है तो दूसरा लेफ्ट को सेट ये होगा, तीसरा लेफ्ट को सेट ये होगा, ये वाले एलिमेंट्स होंगे, चौथा लेफ्ट को सेट ये वाले एलिमेंट्स होंगे, पांचवा लेफ्ट को सेट ये होंगे. छठा लेफ्ट को सेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कंप्लीट सेट कंप्लीट हो गए. ओवरलैप नहीं करना चाहिए, डिस्टिंक्ट होते हैं ये. इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इसके अंदर नहीं होंगे. ठीक है, तो पार्टीशन करने का मतलब है कि कंप्लीटली ये पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. कोई चीज किसी के ऊपर ओवरलैप अगर होना शुरू हुई तो उसको वहीं स्टॉप करेंगे कि वो एलिमेंट तो ऑलरेडी आ चुका है तो हम दोबारा क्यों फाइंड करें. तो ये ऐसे फाइंड होते हैं. अब 3 पे आ जाए, 3 प्लस एच तो आ जाएगा 3, 3 प्लस माइनस एन, 3 प्लस माइनस 2n अप टू सो ऑन. इसी तरह से करते जाएं आपके फाइंड होते जाएंगे और आ जाएगा n माइनस 1 प्लस एच पे जो कि है बनेगा n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस माइनस n, n माइनस 1 प्लस माइनस 2n अप टू सो ऑन. सो टोटल नंबर्स जो ये निकलेंगे, ये टोटल नंबर जितने कोसेट्स के निकलेंगे ये n है. टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स इज n. ये n माइनस 1 यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 और ये एक और मिला के पूरा टोटल हो गया n. अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 14 पे. क्वेश्चन नंबर 14 में हमने ये करना है कि इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन शो दैट. एच सब ग्रुप है तो हमने ये शो करना है कि अगर जो एच सब ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो एच इटसेल्फ उसी के अंदर आ जाता है. यानी एच इंटू एच करें और उसके एलिमेंट्स एच वन इंटू एच टू तो वो इटसेल्फ एच सेट ही आ जाए. तो ये हमारे पास क्या है कि इसको हमने सब ग्रुप शो करना है. सेट जो मेंशन किया गया यहाँ पे हमारे पास वो सेट किया गया किसको शो करना है, सब ग्रुप एच इन टू एच यानी कि इसके एलिमेंट्स ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एच वन और एच टू सिंपल सिंगल सेट से आ रहे हैं एच से और ये एच के ही इक्वल आता है. हम क्या शो करेंगे, हम ये शो करेंगे कि ये इसके इक्वल है. ये इसके इक्वल होने का मतलब ये है कि हम ये शो करेंगे कि एच
इंटू एच, सबसेट है एच का, पहले हम ये शो करेंगे, फिर इसके बाद हम शो करेंगे कि एच सबसेट है एच इंटू एच का। अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड कर जाएं तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल है। सबसे पहले एच इंटू एच सबसेट है एच का और फिर शो करेंगे एच सबसेट है एच इंटू एच का, तब हमें पता चल सकता है कि दोनों आपस में इक्वल है। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट करते हैं, मैं सबसे पहले ये शो करने लगी। ये शो करने के लिए सबसे पहले मैंने एच में से एलिमेंट उठाना है, लेट एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच। अब हम इस एच को लिख सकते हैं ना, एच को हम लिख सकते हैं एच ई, एच को लिख सकते हैं एच ई, इटसेल्फ एच ही आएगा ना। और अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये इससे भी तो बिलोंग कर रहा है एच इंटू एच से, कि एक एच हमने इसमें से ले लिया और ई हमने इसमें से ले लिया। तो देखें कहाँ से लेके चले थे कि एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से, कहाँ से लेके चले, ये इक्वेशन नंबर वन कह दें, एच बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से, और इस इक्वेशन से क्या प्रूव हो गया कि एच बिलोंग कर रहा है एच इंटू एच से भी। इससे ये पता चला कि एच जो है वो सबसेट है एच इंटू एच फ्रॉम वन एंड टू। अब कन्वर्सली लेट करते हैं, अब हम h इंटू एच से शुरू करेंगे और h पे जाएंगे, लेट करते हैं कि x बिलोंग कर रहा है h इंटू एच। जब ये इससे बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब इसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इससे ये पता चला कि x किसके इक्वल है, h1 इंटू एच टू के, सिंस h1 h2 बिलोंग्स टू कैपिटल h। सो हम ये कह सकते हैं कि x मल्टीप्लाई करके कोई तीसरा आंसर आएगा h3, जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से, क्योंकि एच सब ग्रुप है। यहाँ से पता चला कि एक्स बिलोंग कर रहा है कैपिटल एच से, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया कि एच इंटू एच सबसेट है एच का। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो हम ये कह सकते हैं दिस शोज दैट एच इंटू एच इक्वल्स टू कैपिटल एच।